कांग्रेस और बीजेपी के बीच में डबरा विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सत्य प्रकाश परसेड़िया जी, जो कि ऑलरेडी 15 साल से नगर पालिका की अध्यक्ष रही हैं, उनको कल टिकट मिला है और आज पर्चा भरने आई है। स्वागत है जी साहब, आपका भी स्वागत है। क्या लगता है ये दोनों जो कहे जाएंगे मजे हुए पहलवान कहें या सत्ता के खिलाड़ियों के बीच में आप विधायक के लिए चुनाव लड़ रही हैं, हालांकि आपको भी बहुत अनुभव है, कैसे जीत पाएंगी आप? सर दोनों आपने ही कहा कि मजे हुए खिलाड़ी हैं, हमें तो नहीं लगता कि मजे हुए खिलाड़ी हैं, क्योंकि आपस में दोनों की लड़ाई जो चल रही है और आपस में रिश्तेदार भी हैं, तो एक उनका वीडियो जारी होता है कांग्रेस का और बीजेपी की तरफ से मैडम की तरफ से एक ऑडियो भी जारी होता है, तो उससे हमारी यहाँ की जनता खफा है और वो नहीं चाह रही है कि इन दोनों को इस बार मौका मिले। तो मैं 15 साल नगर पालिका अध्यक्ष रही डबरा में, तो मुझे काफ़ी अनुभव है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी जीत इस बार सुनिश्चित है। डबरा आरक्षित सीट है जी, और लगभग वही वोटर हैं जी। कैसे वोटर अपने आप को फाइंड आउट कर पाएंगे ये कि हम किस व्यक्ति को चुनाव जिताएं? देखिए सर, जहाँ तक SC की सीट है, जहाँ तक है मेरे उसमें कि हमारे 52,000 के करीबन SC दलित वोट बैंक है, तो ज़्यादातर हमारा वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी को बिलोंग करता है और भाजपा को तो चाहता ही नहीं है। और रही बात कांग्रेस की, तो थोड़ा बहुत उधर चला जाता है, लेकिन हमारे यहाँ के जो विधायक हैं उनकी छवि इस समय बहुत ख़राब चल रही है, इसलिए लोग उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। कैसे वोटरों को क्या कहकर आप आकर्षित करेंगे और क्या उनसे वादे करेंगे या क्या मुद्दों को लेकर के आप उनसे चुनाव लड़ेंगे उनके सामने? सर वादे तो ऐसा है कि इन लोगों ने भी काफ़ी वादे किए, लेकिन मैं वादे नहीं करती हूँ, मैं काम करके दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने जो मेरी छवि है अभी भी है नगर पालिका की, जो 15 साल में रही, तो काफ़ी लोग जिला बनाने की बात बहुत दिनों से कर रहे हैं, लेकिन कई बार विधायक और मंत्री बन गए फिर भी आज तक जिला नहीं बना, इन प्रयास ही नहीं किया इन्होंने, विधानसभा में एक बार भी क्वेश्चन नहीं लगाया, ना तो मंत्री मैडम ने लगाया ना विधायक जी ने लगाया। तो इस बार अगर हमें जनता मुझे आशीर्वाद देती है और मुझे विश्वास है कि देगी, तो मैं डबरा को जिला बनाने का, हमारे यहाँ शुगर मिल है और उसका नाम अभी फिलहाल ख़त्म हो चुका है, उसको भी हम प्रयास करेंगे कि अच्छा रहे। और धान की खेती हमारे यहाँ ज़्यादा होती है, तो किसानों के लिए नहर का जो समस्या है वो कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी उसका पूजन कर चुके हैं, मैडम भी कई बार पूजन करें आए कि हम बनवा रहे हैं, लेकिन आज तक कोई उसका सिला डला दिख नहीं रहा है, और उसका मैं सबसे पहले उसका प्रयास करूंगी ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो किसान हैं उनको उसका लाभ मिल सके। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अहम सवाल है, कांग्रेस और बीजेपी इसके बीच में जब 1990 में बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ी थी, तो एक तरफा जिस समाज के लिए वो संगठित होकर के चुनाव वहाँ रणनीति तैयार की गई, उन्होंने 7 से 8 विधायकों को बनाया, उसके बाद लगातार 5-7 विधायक बनते रहे, लेकिन 2003 के बाद 2004 के बाद में जो ग्राफ है BSP का वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है, विधायकों की संख्या घटती जा रही है, क्या कहेंगे? नहीं सर, ऐसा नहीं है कि विधायकों की संख्या घटती जा रही है, हमारा वोट बैंक हमेशा से बड़ा है पार्टी का। रही बात है तो बीजेपी कांग्रेस षड्यंत्र करके कुछ हमारे लोगों को डरा धमका के ढंग से चुनाव नहीं लड़ने देती, इस वजह से हमारा कहीं कहीं थोड़ा सा ग्राफ कम हो जाता है, इस वजह से बाद बाकी हमारा वोट बैंक में कहीं कोई कमी नहीं है। इस बार क्या स्थिति है? इस बार की बहुत अच्छी स्थिति है, आप देखिए कि आप रोज देख रहे होंगे, हम भी देख रहे हैं कि मीडिया में चल रहा है, आप लोगों की उससे हम देखते रहते हैं कि जो बीजेपी और कांग्रेस है उनसे जो विधायक हैं बहुत के हमारी बहुजन समाज पार्टी में आ रहे हैं, भज रहे हैं, बगावत कर रहे हैं, क्या कारण है उसको, उनको सम्मान नहीं मिल रहा है। हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी एक सम्मान देने वाली पार्टी है, तो हमारी पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन इस बार रहेगा। ये थी हमारे साथ सत्य प्रकाश परसेड़िया जी, मैं हूँ सुरेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर 24। नमस्कार, जय हिंद।